हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सत्यम, योर गेमर गाइड। तो फाइनली आ गया हूँ एक और वीडियो लेके, जो कि है कार फॉर सेल मोबाइल। एंड बहुत दिनों बाद कार फॉर सेल मोबाइल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज भाई समथिंग स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमको मिला एक स्पेशल कार, जो कि है सुप्रा। यस, सुप्रा कार के लिए बहुत ज्यादा हाइप है, सभी लोगों का ये फेवरेट कार है। कितने डॉलर में हम एक कार को बाय करने वाले हैं एंड उसके बाद इसको सेल करके कितना डॉलर मिलेगा, वो सभी आपको ये वीडियो में पता चलेगा। एंड क्यू ये कार आपके आईडी के लिए बेस्ट कार हो सकता है, इसी के ऊपर है ये वीडियो। तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख सकते हो, मैं आ गया हूँ यहाँ पे कार वैन के सामने। एंड यहाँ पे जो कुछ कार्स वगैरह है, यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, एक बंदा यहाँ पे बेच रहा है सुप्रा। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, सुप्रा कार को मैंने इन दी एंड फाइनली यहाँ पे देखो 43,000 में वो उसको बोल रहा है एंड अपने पास है 42,000। तो यहाँ पे हम इसको बार्गेन करने वाले हैं। तो देख सकते हो गाइस, 42 में उसको मैं ऑफर किया एंड जस्ट टेक ए मिनट एंड ओके, हियर्स द कीज एंड हमने परचेज कर लिया फाइनली। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इस सुप्रा कार को बाय कर लिया भाई। एंड ये कार सच में इनसेन है, ठीक है। एंड आप जैसा कि देख सकते हो, अभी हम ऑफिस अपना ओपन है तो थोड़ा बहुत हम इसको राइड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, मतलब कते खतरनाक है। एंड स्पीड देख सकते हो भाई, 100 पार हो गया भाई, 120 130। ओ भाई, बस डैमेज ना खाए, ट्राई करता हूँ ताकि किसी को ठोक ना दूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ में ज़्यादा देर तक कार सही रहेगा। ओके, ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत कर लिया हमने। ओके भाई, बस सही से ऑफिस चला जा भाई साहब। ओके, सही से जा रहा है। ओके, तो अपना कार फॉर सेल का जो है, एंड आप लोग फिर से कॉमेंट पर बताओ, ठीक है, कौन सा कार का शोरूम का नाम लिखना चाहिए। भाई जल्दी से धीरे धीरे पहुँच जाओ यार, ठीक है, अभी तक सही जा रहे हैं हम। एंड हम यहाँ पे आ गए हैं कार फॉर सेल अपना शोरूम में। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, लुक भाई यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, कार एकदम फर्स्ट आप कह सकते हो, सुपर कार ऑन इन दिस आईडी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, फ्यूल है, डर्ट है, थोड़ा बहुत डर्टी है एंड तगड़ा है, मतलब कार का लुक भी बढ़िया है। ये देखो बंदे क्या कर रहे हैं मोटे। ओके, तो कार हम सेल नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि शाम हो गया एंड रात हो गया भाई, ठीक है। तो ऑफिस को क्लोज कर देते हैं जल्दी से। ओके, क्लोज कर दिया हमने ऑफिस को एंड अब हमको कार लेके जाना पड़ेगा अपना रूम। एंड हम पहुंच गए, ठीक है, अपना यहाँ पे कार वैन है, पीसी वाला जो है कार फॉर सेल, वहाँ पे कंटेनर है एंड हमको यहाँ पे कार वैन, मतलब यहाँ पे थोड़ा इज्जत हमको दिया गया है, ठीक है, इसीलिए अपने को कार वैन मिला। भाई कितना शांत से मैं देखो ड्राइव कर रहा हूँ, ताकि किसी को ठोक ना दो भाई। एंड $42,000 में हमने ये कार को परचेज किया। एंड ओके, दरवाजा बंद एंड स्लिप। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40,000 का आपको नुकसान हुआ, बट कोई ना, अभी हम उसको रिकवर करने वाले हैं कार को बेच के। जैसा कि आप देख सकते हो, 2 PM को अपना कार ऑक्शन भी है, ठीक है। तो चलो एंटर हो जाए। ओके, अपना कार स्टार्ट हो गया भाई, जल्दी से निकलो यार, ठीक है। चलो अपना कार फॉर सेल वाला शोरूम। भाई यहाँ पे कचरा गिरा हुआ है भाई, यार तुमको मैंने काम पे रखा, तुम काम नहीं कर रहे हो यार, देख रहे हो यहाँ पे कचरा गिरा के रख दिया बंदे ने। उसको काम पे रखा हमने, उसको सैलरी दे रहे हैं मंथली। ओके, चलो यहाँ पे कंप्यूटर में आ जाए हम। एंड यहाँ पे कार फॉर सेल, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कितना प्राइस पे बेचता है ये सुप्रा। तो 42,000 में लिया हमने एंड इसको हम 65,000 करें भाई, जीरो सामने से बेकार में 65,000 का हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। 42,000 में परचेज किया था, 65,000 में इसको फॉर सेल पे रख दिया। ओके भाई, कचरा यार देखो, ये बंदा अभी तक कुछ काम नहीं कर रहा है यार, इसको एटलीस्ट ये सफा कर देना चाहिए ना भाई। चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तू मत कर, तू महीने का पगार ले बस, तुमको काम नहीं करना कुछ। ओके, चलो जल्दी से हम चलते हैं, इसको लास्ट ट्रैश एंड हमने इसको भी थ्रो कर दिया। ओके नाइस। ओके, एक बंदा आ रहा है, ठीक है, चलो इससे बात करके देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। ओके, आई विल टेक इट। भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब डोंट सेल, इसको डोंट सेल करना पड़ेगा। कोई उसने बार्गेनिंग नहीं किया, इसका मतलब मैं प्राइस कम रख रहा हूँ। बार्गेन नहीं करा, इसका मतलब मान लो, मतलब मैं जो गेस कर रहा हूँ कि बंदा, इसका मतलब मैंने कम प्राइस पे गड्डी रख दिया। तो चलो इसके लिए हम इसको डोंट सेल कर दिए एंड प्राइस को हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। आप मतलब एक काइंड ऑफ ट्रिक भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब ओ प्राइस पे बंदा है, वन टेक पे कन्फर्म हो गया, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि हमने रॉन्ग प्राइस रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम इसको प्राइस भाई फिर से जीरो सामने का, ठीक है 80,000 रुपीज़ हमने रख दिया, रुपीज़ बोल रहा हूँ, तो $80,000 हम रख दिए सुप्रा का। अब देखते हैं कितना, कोई बंदा अगर बार्गेनिंग करता है तो हमको पता चलेगा, एंड अगर अभी भी बार्गेनिंग कोई बंदा नहीं करता तो फिर समझ लेना कि हम फिर से एक लो प्राइस रख रहे हैं, ठीक है। तो जब तक बंदा बार्गेनिंग ना करे तब तक प्राइस हाई करते रह सकते हो गाइस। ओके तो एक बंदा आ रहा है, भाई मतलब भाई कैरेक्टर मॉडल, ठीक है एनपीसी जो है भाई है, चलो देखते हैं एक बार इससे पूछ के। ओके 80,000 अब आया ना उट पहाड़ के नीचे, देखो 79,000 उसने बोला इससे बार्गेन करते हैं, चलो देखते हैं अगर 80,000 पे होता या नहीं। चलो मैंने ऑफर करने वाला हूँ 80,000 भाई और $1,000 का बस, एंड आई विल होप। ओके हमने परचेस कर सेल कर दिया, परचेस बोल रहा हूँ। तो जैसा ही गाइस देख सकते हो, तो यही है एक ट्रिक कि आपको समझ लेना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक खेलते खेलते आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा। लाइक आप देख सकते हो $80,000 हमने अर्न कर लिया भाई, 42,000 में परचेज किया उसका डबल, आप कह सकते हो बस 2,000 का कमी है, बट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो भाई मतलब बहुत तगड़ा मिला अपने को, ठीक है। तो अब कार ऑक्शन पे हम आ गए हैं, एंड कार ऑक्शन पे हमको एक टिकट खरीदना पड़ेगा, तो उसके बाद हम कार ऑक्शन पे देखेंगे कोई अगर अच्छा कार मिले तो। बट हमने सुप्रा लेके इसको सेल भी किया, एंड कितना तगड़ा पैसा हमको मिला आप देख के आप पता कर सकते हो। तो इसीलिए एक कार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कार फॉर सेल मोबाइल पे, जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है बट बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। एंड मैं उनका डिस्कॉर्ड सर्वर में भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अभी कुछ नोटिस दे। तो हम ब्लैक मार्केट पे आ गए, एंड हम एक टैब खरीद लेते हैं, टैब हमने कभी तक खरीदा नहीं था, तो टैब खरीद लिया। ओके एंड क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं भाई रेड बार पे, एंड रेड कैफे हो गया, ठीक है पीसी पे रेड बार है बट फोन पे रेड कैफे। ओके तो हम यहाँ पे जा रहे हैं आप फिर से, वहाँ बिंदास कॉफ़ी भी पियेंगे, एंड उसके साथ देखेंगे कि कौन सा कार आता है। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 PM को अपना स्टार्ट होगा। ओके अभी सीट नहीं कर सकते, तो चलो पूरा कॉफ़ी ख़त्म करेंगे भाई, इसके लिए भी पैसा कटता है यार, फ्री में कॉफ़ी नहीं मिलता हमको, ठीक है। तो ओके सब लोग वेट कर रहे हैं कब आएगा नया नया कार, तो देखते हैं क्या क्या कार आता है इस पर। ओके तो कॉफ़ी अपना ख़त्म हो गया, एंड भाई 2 बज गया मैं अभी तक कॉफ़ी पी रहा था। ओके तो फास्ट कार स्टार्टिंग विथ 75,000, करंट बीट 75, ओ भाई साहब 75, 76 भाई साहब, ओ भाई साहब इसका देखो प्राइस 22,000 से स्टार्ट हुआ था 29, तो ये ख़त्म होगा। एंड ए वाला कार हम देख रहे हैं, ओ भाई साहब इसका देखो 9,000 से को हम देखते हैं, इसके ऊपर हम बोली लगाएंगे, ए कार हमको चाहिए। चलो देखते हैं, ओके 10,000 तक गया, 10,463, 62, ओके 10,000 के अंदर ही है अभी तक, 11,000 हो गया, ओके 11,000 ही है अभी तक, बढ़ रहा है भाई, लोग बोली लगा रहा है इसके ऊपर भी, एंड यही परचेज कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के दो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब पहला वाला तो भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। ओके तो ये वाला हम परचेज करेंगे ज़रूर, चलो देखते हैं कब तक कितना बोली लोग लगाते हैं, लास्ट पे हम लगाएंगे भाई। ओ भाई हो जाओ जल्दी से। ओके भाई बाकी लोग बंद करो यार, 9,000 पे स्टार्ट हुआ था, 13,000 तक पहुँच गया भाई, 5,000 एक्स्ट्रा लग रहा है भाई साहब, सोचो ओ भाई कितने पैसे लगाओगे यार तुम लोग, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो यार। ओ भाई चलो 14,000, ओके भाई अरे यार 9,000 से 14,000 तक हो गया भाई, अरे कंप्लीट हो जा यार तुम लोग ने बोली लगा रहे हो। ओके मैंने लगा दिया, ओके 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 मिल गया हमको कार, नाइस लास्ट वाला कार भाई ये नहीं लेंगे हम। तो देख सकते हो गाइस स्किल पॉइंट हमको मिल गया एक, एंड यू बॉट ए कार 10x भी हमको मिला, तो एक कार हमने कार फॉर सेल का जो है यहाँ पे कार ऑप्शन वहाँ से ले लिया, एंड उससे पहले हम सुप्रा ने सुप्रा को बेचा, तो सुप्रा को बेच के हमको मिला है ना यहाँ पे आप देख सकते हो अप एरो डाउन एरो का जो ऑप्शन है उससे हमको मिलेगा, एंड एक गड्डी लेके अब हमको ऑफिस भी जाना है। एंड गाइस सॉरी चलते चलते भाई 90 हो गया पूरा, ये लो मैं ठोक दिया यहाँ पे अच्छे से, तो इसीलिए हम ऑफिस जाके भी कोई फायदा नहीं, ऑफिस वैसे भी अपना ओपन ही है यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, बट क्योंकि रात हो गया तो अभी तो कोई कस्टमर आएगा नहीं, तो उससे अच्छा है आज स्लिप कर लेते हैं, नेक्स्ट डे हम ए वाला कार जो हमने ऑक्शन से लिया उसको हम बेचेंगे। यही था वीडियो, हम सुप्रा को परचेज किए $42,000 में, एंड उसको सेल किया हमने $80,000 में, एंड कैसे आपको कोई कार बेचना है एंड कैसे आपको बार्गेन करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो यही था वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।